तो हेलो डियर ऑल, होप यू आर गोइंग गुड। सो कल को सीए एग्ज़ाम्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो पिल फाइल करी गई थी उसकी कल हियरिंग है, तो सोचा कि एटलीस्ट एक बार मैं भी आपके सामने इस बात को रखूँगी कि क्या उसमें होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो जितने भी सीए स्टूडेंट्स अभी एग्ज़ाम्स को लेकर के अपियर नहीं हो सकते, जिनका जेन्युइन इश्यूज़ हैं, और ऑब्वियस है कि बहुत काफ़ी स्टूडेंट्स में अभी भी पार्शल लॉकडाउन है और जिसकी वजह से एग्ज़ाम्स में नहीं अपीयर हो रहे हैं, और इंस्टीट्यूट तो हमारा बिल्कुल ज़िद पे आ चुका है कि एग्ज़ाम्स उनको लेने हैं, तो हमें उससे कोई परहेज़ नहीं है कि एग्ज़ाम्स नहीं लेने हैं या लेने हैं। बट यस, जो एक इक्वालिटी का होता है, एक इक्वालिटी है, वो इक्वालिटी होनी चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। तो जितने भी सीए स्टूडेंट्स अभी एग्ज़ाम्स को लेकर के अपीयर नहीं होंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बोर्ड से कि सुप्रीम कोर्ट एटलीस्ट हमारे एग्जामिनेशन कमेटी आईसीआई की उनको डायरेक्शन दे कि एटलीस्ट ऑप्ट आउट ऑप्शन तो दिया ही जाना चाहिए। और वो मेरी गट फीलिंग ये कहती है जरूर कि वो कल को आपको मिल जाएगा। मेरी गट फीलिंग ये जरूर कहती है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को जरूर डायरेक्ट करेगा, एग्जामिनेशन कमेटी ऑफ आईसीआई आपको ऑप्ट आउट ऑप्शन तो दिलवा ही देगा सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा गोड से, पक्का आपको कल ऑप्ट आउट ऑप्शन मिल जाएगा। काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि सर ये टाइम नहीं होता वीडियो बनाने का, और वीडियो बनानी भी नहीं चाहिए क्योंकि इसी जिद्दोजहद में अगर हम लगे रहे हैं एग्जामिनेशन पोस्टपोनमेंट या फिर ये। बट यस, जो हमारे इंस्टीट्यूट ने एक तरह से नोटिफिकेशन निकाल के बोल दी थी बात कि हम अब एग्ज़ाम्स ले रहे हैं, और ऑप्ट आउट ऑप्शन भी बड़ा क्रिटिकल निकाला, और जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई स्टूडेंट में, और जो भी स्टूडेंट्स अभी एग्ज़ाम नहीं देने चाह रहा है उनको ज़रूर ऑप्ट आउट ऑप्शन मिलेगा। मेरी गट फीलिंग ये कहती है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। और रही बात उसकी, एग्ज़ाम सब नियर है, तो प्लीज़ जो भी एग्ज़ाम देने जा रहा है पूरी तरह से फोकस रखिए, कल को आपको पता लग जाएगा कल को क्या होने वाला है। तो मैं अब यही चाहता हूँ कि और बाकी ओल्ड सिलेबस वालों को लेकर एक अटैम्प्ट ज़रूर मिलना चाहिए, जो एग्ज़ाम एक तरह से जो कोविड सिचुएशन में एग्जामिनेशन हुए हैं उस सिचुएशन में आपके ओल्ड पेपर्स में जो ओल्ड सिलेबस को बिलोंग करते हैं उनको भी एक ऑप्शन और आके एक्सटेंड करना चाहिए इंस्टीट्यूट को। तो बस यही चीज़ एक थी, और होपिंग आपकी जो अपकमिंग एग्जामिनेशन होगी वो नवंबर में ही होगी, तो अब उसके बाद कोई ऑप्ट आउट ऑप्शन का तो मतलब यही रहेगा, अब नवंबर में एग्जामिनेशन करा करके इंस्टीट्यूट नवंबर में अपीयर करवाएंगे। सो ये एक छोटी सी बात है, कल को हियरिंग होगी, तो प्लीज़ अगर अपडेट कर पाया मैं आपको इमीडिएट बेसिस पे तो मैं ज़रूर करूँगा, बट बिकॉज एग्जामिनेशन के टाइम पे मेरी जो इंटेंशन रहती है वो कोई वीडियो बनाने की नहीं रहती, बट एट द सेम टाइम बस यही कहना चाहता था। सो गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।